एनपीएक्स टावर एसोसिएशन द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई, जिसमें फनोरवा अध्यक्ष एनपी सिंह और नेफोमा अध्यक्ष अनु खान समेत कई लोग शामिल हुए। आपको बता दें कि एनपीएक्स टावर के बायस का आरोप है कि बिल्डर्स बिल्डिंग में काम किए बगैर ही पोजीशन दे रहा है। जिसकी शिकायत बायस ने NCDRC में की, लेकिन कोर्ट ने बायस की अपील खारिज कर दी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और उसके बाद फैसला बायस के हित में आया। एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड अंडर यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010। नाउ द पीपल हु आर एसोसिएटेड विद दिस एसोसिएशन हैव बीन हियरिंग दिस नेम अगेन एंड अगेन एंड लाइक अ गुरु मंत्र द सेम हैज बीन ओकेड बाय सुप्रीम कोर्ट आल्सो। इफ यू हैव सीन द ऑर्डर ऑफ सुप्रीम कोर्ट आल्सो इट हैज बीन डेलिबरेटली इंसर्टेड। दिस एसोसिएशन इज रजिस्टर्ड एज पर यूपी अपार्टमेंट एक्ट 2010। देखिए, फोनरवा हमेशा नोएडा वासियों के साथ है, यहाँ की जनता के साथ है। यहाँ की जनता के साथ कहीं भी अन्याय होगा तो हमारे लोग, हमारी फेडरेशन के लोग उन लोगों के साथ खड़े होंगे। कोई भी पीड़ित यहाँ पर ऐसे नहीं रहेगा कि हम उनका साथ ना दें। अगर बायर के साथ कहीं भी अन्याय हो रहा है, जैसा कि बिल्डर कर रहे हैं, तो हम लोग बायर के साथ खड़े हुए हैं। ये NPX अपार्टमेंट्स है जहाँ पर, जो नोएडा के अंदर है, उन्होंने 2009-10 में बुकिंग की थी और आज तक लोगों को पोजीशन नहीं दिया है। आज 9 साल होने जा रहे हैं वहाँ पर, 9 सालों में भी पोजीशन नहीं दिया गया। जनता का पैसा उन्होंने लेकर लगा चुके हैं उसके अंदर। तो आज सभी यहाँ के जो वायर्स हैं, उन्होंने मीटिंग की है। वो चाहते हैं कि वायर को पूरी तरह से उनका पोजीशन दिया जाए ताकि वो अपनी दुकानें, अपने ऑफिस वहाँ पर चला सकें। आज हम लोग यहाँ पर आए हैं, NPX टावर एसोसिएशन के सभी सदस्य यहाँ पर हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और हम सरकार से डिमांड कर रहे हैं कि इनकी प्रॉब्लम जल्द सुनी जाए और प्राधिकरण को आदेश दिया जाए कि जो 2008-09 से पूरे 95% या 100% पैसे दे के अपना जिंदगी भर की कमाई वहाँ दी हुई है कि एक हम दुकान वहाँ पर लेंगे, एक रिटायरमेंट के बाद हम दुकान ऑफिस वहाँ खोलेंगे और वो उसको चलाएंगे, तो उस सपने को चकनाचूर कर रहे हैं बिल्डर अथॉरिटी मिलकर। तो हम उनसे निवेदन करेंगे कि इनकी समस्याओं को जल्दी सुना जाए और उनको रिलीफ दिया जाए। फोनरवा अध्यक्ष NP सिंह ने निवेशकों को ये आश्वासन दिया है कि फोनरवा उनके साथ खड़ा रहेगा। अब देखना ये बनता है कि क्या निवेशकों को राहत मिलेगी या फिर निवेशक दर दर भटकते रहेंगे। रियलिटी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।